भाई फर्स्ट टाइम। इसको ना ऐसे, इसका नट ना, नट जो, इसको हाँ ऐसे ऐसे करना है और उसके बाद जहां पे इसको फिट लगा, करना है उसको ऐसे ऐसे इसके कान घुमाने हैं। ठीक है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। तो सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं, व्लॉग मैंने यहाँ अपलोड करने के लिए लगा दिया है और मेरे हाथ में ग्लव्स वगैरह जो कैप कर लाई है। एक्चुअली मैंने जाना है पठानकोट, मेरे को स्कूटी चाहिए विवेक भैया की, तो वो कहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को छोड़ा, फिर उसके बाद स्कूटी ले लियो। तो सुबह सुबह उनको छोड़ने जा रहा हूँ और अपने ग्लव्स ये वाले कल की कैप वगैरह जो आई है इसको ट्राई करता हूँ आज। ये है इसमें कुछ बात या नहीं है, है कुछ में है, पतली सी है पर पता नहीं हवा क्रॉस करती है, हवा तो क्रॉस करी जाएगी, तो देखते हैं फिलहाल जो भी रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। चले तो भैया को ड्रॉप करना है उसको। हाँ चाबी पर्स मोबाइल हमेशा। तो गए थे अपनी कैब वगैरह सब कुछ मैंने लगा लिया, फिलहाल यहाँ से निकलते भैया, कह रहे तू ड्राइव कर चलते हैं। तो गए भैया को भी ड्रॉप कर दिया, वो भी चले गए, तो वीडियो बन नहीं पा रही। मैं ग्लव्स अभी उतारे हैं, मैं यहाँ बना लेता हूँ वीडियो, अदरवाइज ग्लव्स में फ़ोन चलते नहीं, स्क्रीन चलती नहीं है, तो फिलहाल अब घर पर निकलते हैं, सीधा घर पर मिलता हूँ आपको। तो गाइस मुझे सुबह सुबह कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस स्कूटी के लिए, जस्ट मेरे को स्कूटी चाहिए थी पठानकोट जाने के लिए, तो भैया ने भी जाना था कहीं, मैं कहा मेरी बाइक ले जाओ, कह रहे मेरा 2-3 दिन तक फिर शायद ना आऊँ, तो इससे बेटर है कि तुम मेरे को ड्रॉप ही करा। तो भैया को ड्रॉप करा अभी और उसके बाद अभी घर चलते हैं। अभी अभी वीडियो बनाने के लिए मुझे ग्लव्स खोलना पड़े, अब स्पेशल वीडियो बना ली, अब उसके बाद ग्लव्स डाल लेता हूँ मैं। तो गाइस फाइनली घर पर पहुँच चुके हैं और ये भी रास्ते में खड़े हैं, पूरा तैयार श्यार हो गए स्कूल के लिए। मेरे को पहचाना नहीं तुमने? मेरे को पहचाना नहीं, नहीं। क्यों डाकू या। कैसे पहचाना? ये तो मुंह से बोला आवाज आई तब पहचाना। डाकू हो। डाकू क्यों? चलो जाओ स्कूल पढ़ो, वहाँ जाके पढ़ाई करो। अच्छी यहाँ खड़े साइड में, साइड में खड़े जाओ गाड़ी आगे, आराम से चलो आराम से। तो गाइस यहाँ पे एक शॉप है, रात को शॉप ही तोड़ दी, पता नहीं किस चोरों ने, पता नहीं किन चोरों ने रात को दुकान ही तोड़ दी हुई है ना, पूरी दुकान मतलब खिड़की तोड़ के लेके चले गए, सामान भी ले गए अंदर का सब कुछ। अच्छा बीड़ियाँ सिगरेट। अच्छा तो गाइस ये शॉप चाचू की और यहाँ से हुई है चोरी इसकी, ओ पीछे वाली खिड़की तोड़ के बंदा अंदर ही आ गया, ये सामान था बाकी वहां से खिड़की तोड़ी उसने और बंदा अंदर आ गया। और भाई चोर भी कितना खतरनाक वाला, जो कि सिर्फ लेके गया है बीड़ियाँ सिगरेट, मतलब ऐसी ऐसी चीजें छोटी मोटी, और बस बीड़ी सिगरेट लिए और बर्फी वगैरह खा गया, बाकी कुछ सब कुछ यही पड़ा हुआ डब्बे मूंगफली वगैरह, और कुछ नहीं लिया, पता नहीं कौन था ऐसा खाने वाला चोर जो। तो एक्चुअली गाइज मैंने जाना था पठानकोट, मेरे को वहाँ पे काम था, मैं सामान लेके आना था थोड़ा सा अपना, फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ गियर्स लेके आना थे, लाइट वगैरह, तो इसलिए स्कूटी चाहिए थी मेरे को, तो भैया छोड़ के गया ना, स्ट्रगल करा मैंने स्कूटी के लिए सुबह सुबह, हाथ पूरे ठंडे हो गए मेरे। पर ये मैंने जो पहना हुआ ना मतलब लगभग ठीक ही है, ये जो मंगवाई कैप और ये मास्क था लगभग ठीक ही है, मतलब कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत ठंड है, थोड़ी बहुत रखती है अब। तो मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, आज खाने में बना है गोभी की सब्जी, हाँ पता है मेरे को गोभी की सब्जी, दुकान में चोरी हो गया ना, हाँ बर्फी और बीड़ियाँ लेके चले गए बस, और कुछ नहीं लिया, पता नहीं कैसा चोर था ये। तो गाइस जाने से पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, गोभी की सब्जी दही और रोटी, तो ये खाते हैं। तो गाइस फाइनल मैं हो गया हूँ रेडी और हेलमेट वगैरह ले लिया और ये लगा लिया मैंने, कैप नहीं पहनी क्योंकि हेलमेट कैप भी डाल ही देता हूँ ना, कैप भी डाल लेता हूँ, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से पठानकोट जाएंगे, धूप है पर हवा लगती है ना, तो फिलहाल ये डालना फिर हवा कैसे लगेगी, तो ये खुला रखना आगे का हेलमेट। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं पठानकोट, लाइट वगैरह लेते हैं और फिर आते हैं घर पे, बाकी काम करते हैं फिर। मेरे को एक्चुअली थोड़ा और भी था ना, फ्रेम्स वगैरह भी लेके आनी थी फोटो वाली, तो बाइक पर आती नहीं अकेले, तो फिर मैं स्कूटी इसलिए ली कि वहाँ पर रख लूँगा, सामान भी होगा जो भी लूँगा वो भी आ जाएगा इजीली। तो चलो जी गाइस चलते हैं, हेलमेट मैंने डिग्गी में डाली क्योंकि मुझे आगे रुकना भी है किसी क्लाइंट के पास, तो फिर वहाँ जाके पूरे ग्लव्स वगैरह पहनूंगा यहीं पे पास में ही, तो फिलहाल चलते हैं स्कूटी पे चलते हैं आज। तो गाइस मैंने अभी ग्लव्स और हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लगाया ना, और कैब से मतलब हवा नहीं लग रही है इस टाइम पे, बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, कोई ठंड नहीं कोई कुछ नहीं, हाथों में हल्की हल्की सी लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही पर ठीक है, मतलब इतना बंदा सहन कर सकता है तो बढ़िया है। ग्लव्स देखता हूँ आगे जाके लगाता हूँ, अभी ज़रूरत तो महसूस हो नहीं रही वैसे, देखते हैं फिलहाल। तो गाइस हेलमेट भी लगा ही लेते हैं, सेफ्टी तो अपनी है किसी और की तो है नहीं, और ग्लव्स भी पहन लेते हैं। तो चलो जी अब चलते हैं अब यहाँ से आराम से एक अपनी स्मूथ राइड के साथ। तो गाइस अभी फिलहाल पठानकोट भी मैं पहुँच गया हूँ और मेरे साथ एक भैया जा रहे हैं, वो पठानकोट के लोकल हैं, तो लोकल बंदे को लेके जाना आपको पता बेटर रहता है, तो वो सस्ती भी दिलवा देंगे और चीज़ भी अच्छी मिल जाएगी, तो उनका वेट कर रहा हूँ। और भाई पठानकोट इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना मेरे को, एक तो मैं इतनी गर्म ये जैकेट पहन के आ गया
और ऊपर से वो कैप इतनी गर्म निकाली, मैंने उतार के डिग्गी में रख दी है वो, भाई साहब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। तो फिलहाल भैया का वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सर कैसे हैं आप? एक मिनट। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ दीपक पाजी के साथ, आपने पहले भी देखा होगा हम शूट पे इकट्ठे गए हैं काफी बार। तो दीपक पाजी पठानकोट के लोकल हैं और पठानकोट एरिया तो है भाई का, तो इनके साथ जा रहा हूँ मैं और ये मेरे को लाइट लेके देंगे एक अच्छी सी और सस्ती सी। चले बिल्कुल बिल्कुल चलिए, और हम लाइट का व्यू भी दिखाएंगे आपको, बहुत बढ़िया लाइट का व्यू है क्योंकि पाजी भी वही लाइट यूज करते हैं ना, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसमें जाते हैं स्कूटी पे। चलो तो दीपक भाजी का थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बाइक के लिए जान हाजिर है। बाइक लगा दो यहाँ साइड पे आप, है ना। तो फिलहाल हम स्कूटी पे जाएंगे यहाँ से, दीपक भाजी बाइक साइड पे लगा देंगे यहाँ पे। हाँ यहाँ लगा दो वहाँ पे, दीपक भाजी को पता है जगह था, वो स्कूटी वही चलाएंगे। चले तो ये वाली शॉप है जहाँ पे दीपक भाजी लेके आ गए। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕੋ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂ ਏੜੀ 200 ਪ੍ਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੋ ਆਇਆ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਕੇ, ਭੇਗ ਪਾਸ ਆਏ ਥੇ ਹਮ, ਭੇਗ ਕਹ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਾਲੀ, ਅਭੀ ਭੀਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸ ਵੋ। ਤੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਅਭੀ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੈ ਪਠੂਰੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਦੀਪਕ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਦੋ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਖਾਏਗੇ ਹਮ, ਇਹ ਕੁਛ भाई नया तरीका अंकल का बनाने का कुछ। अच्छा ये पूरा गीला कर देना पहले, छोले की सब्जी है इसमें गीला कर देंगे ये वाला अंकल जी। तो अंकल जी पूरा पूरा इसमें डाल दिया ये बंद छोलों के बीच में, और ऊपर छोले भी आ गए। लो जी भाई पूरा गीला करके ये आ गया मस्त, साथ में छोले, साथ में चटनी है हरी मिर्ची वाली, डाल दो डाल दो भाई। क्या यूनिक चीज खिलाने लगे आज। हाँ तो ये आ गया अपना मस्त, क्या बोलते हैं इस डिश को अंकल, छोला पिज्जा कुलचा, पिज्जा कुलचा। हाँ अच्छा पिज्जा कुलचा कुछ अंकल का, ये खाएंगे आज हम मस्त। तो गाइस अभी फिलहाल मैं और दीपक भैया बैठ गए यहाँ पे टेबल पे, मेरा इस बंद इसके बीच में, ये मेरा वाला बर्गर भैया के लग गया छोले, और भैया अपना बर्गर लग गया, कह रहे मेरे को मजा नहीं आता गिल्ला वाला खाने सूखा सूखा टेस्ट होता है इनके छोले। अच्छा हाँ हाँ टेस्टी है, मैंने खा के देखा टेस्टी है काफी। तो गाइस ये फ्लश लेने लगे हम यहाँ पे, अपनी लाइट भी ले ली हमने, तो अब चले करें प्रस्थान यहाँ से। तो गाइस ये लाइट तो ले ली है हमने, अब इसकी थोड़ी सी एक्सेसरीज लेनी है, तो मैं दीपक पाजी वो लेने जाएंगे। तो चले चलो। तो गाइस लाइट यहाँ पे थी नहीं, हम दूसरी दुकान से ले आए, और बाकी की एक्सेसरी हम भी ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे। दीपक भैया काफी क्लोज है ना ये अर्जुन भी बड़ा क्लोज है, तो बाकी बड़ी देर से जानते हैं, जब अपने शॉप करते होती थी हमारे। अच्छा अगर भी शॉप होती थी तब से जानते हैं। अच्छा तो यहीं पे ले लेते हैं हम बाकी सामान, ये हमारे स्टैंड वगैरह ओक्टा बोलते हैं इसको। तो गाइस अभी दीपक भैया मेरे को यहाँ पे सिखा भी देंगे कि कैसे लगानी है ये, मेरा फर्स्ट है। इसका नट ना, नट जो ऐसे ऐसे करना, उसके बाद इसको लगा इसको ऐसे ऐसे इसके कान घुमाने हैं, ठीक है, फिर इसको सीधा करके ऐसे कर देना, ठीक है जी। ठीक है जी, हम थोड़ा सा गलत कर गए, पहले इसको हम ऊपर से लगा रहे हैं ना, अभी अभी घुमाना पड़ेगा। ये दो साइड से लग जाती है ना, हाँ डबल साइड लग जाती है। अभी ऐसा इसका ये बटन है, इसको ऐसे लगा देंगे, उत्तर के फिट करना होता, ठीक है। ठीक है तो ये लगा दिया हमने ओक्टा। हाँ, अपनी ये देखो ऐसे 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 हो रहा ना, वैसे थोड़ा सा टाइट करना होना, बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया टाइट। अच्छा पूरा फिट होना चाहिए, पूरा फिट। जिप बंद कर दी, जिप बंद कर दी अपनी, ये तैयार हो गई। अब इसके ऊपर लगाएंगे ऐसे लाइट, और ये सारी की सारी ट्रिगर से कंट्रोल हो जाएगी लाइट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इस पे वो लगाएंगे अब। हाँ बस उसके ऊपर वो चिपका देंगे, इसके साथ ओवर वाइट वाला ये कपड़ा आ जाएगा। ठीक है ये सर भाई। तो गाइस अभी टाइम रात के 7 बज रहे हैं, मैं पूरा पूरा दिन फिर उसके बाद पागल होता रहा, दीपक भाई भी चले गए, तो मेरे को थोड़ी सी फोटो फ्रेम्स बनानी थी जो ये पड़ी हुई हैं। पिछली बार भी आपके सामने प्रिंट निकलवाए थे भाई साहब, इतना ज़्यादा टाइम लगा था प्रिंट निकलवाने में, और इस बार भी प्रिंट लगवाया तो प्रिंट निकलवाने में 3 घंटे लग गए, कभी मशीन ख़राब कभी ये। तो फिलहाल अभी बाकी सामान लेता हूँ मैं जो पड़ा हुआ भैया के पास, और उसके बाद फिर निकलते हैं। तो यहीं पड़ा हुआ अपना सारा का सारा सामान, तो ये लेते हैं। तो गाइस ये सारा का सारा सामान ले लिए, ये पड़े हैं वो पड़ा है, तो भैया चलिए, भैया थैंक यू सो मच, हम आते रहेंगे दोबारा आपके पास। और भाई यहाँ पे मैंने देखी रिंग लाइट, देखा कितनी कितनी बड़ी है, क्या कितने सेंटीमीटर है ये, भैया 25 इंच की है, 25 इंच की रिंग लाइट है ये, इतनी बड़ी ये वाली, ये RGB है रिंग लाइट। अच्छा आज ये 18 की 20 की, ये 18 इंच की, हाँ 18, अच्छा 18 इंच की है वो, भाई साहब कितनी बड़ी है वो वाली, वो 25 की है। अच्छा 25 की भी है, डिजिटेक की। अच्छा सारी की सारी रिंग लाइट है यहाँ पे, तो
आजना भैया के पास कैमरा हब पठानकोट। हाँ गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा भैया का एड्रेस जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। तो गाइस सामान ले लिया और काफ़ी मुश्किल से मैंने एडजस्ट करा है, मेरे को टेंशन सिर्फ फ्लाइट की है कि लाइट ना टूटे, मैं डिग्गी में डाल दी है अभी, बहुत ज़्यादा महंगी है वो, तो मेरे को वही टेंशन है। तो फिलहाल चलते हैं, अब मैं घर पे मिलूँगा डायरेक्ट, लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, 7:30 यहीं पर हो गए। तो फिलहाल क्या है, हेलमेट वगैरह लगाऊंगा, फ़ोन तो निकलेगा नहीं मेरे से, फिलहाल चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली घर पर भी पहुँच गया हूँ, इतनी ज़्यादा लेट, इतनी ज़्यादा ठंड में। मम्मी गेट खोल देंगे बड़ा वाला, क्योंकि छोटे वाले से फ्रेम्स नहीं जाएंगे नहीं अंदर, इसलिए बड़ा गेट। तो अब ये फ्रेम्स वगैरह मैं सुबह ही दूंगा, क्योंकि रात को सभी सो जाते हैं, तो इस टाइम डिस्टर्ब क्या करना, राइट। तो गाइस पापा भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं अपना मस्त। क्या बना हुआ आज? मूंगी की दाल और साथ में चावल, और साथ में ये गमीरी होती है, ये गमीरी तुरंज। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच गया भाई साहब, कानों में दर्द होगी इतना ज्यादा ट्रैवल कर करके ना, अभी रात को बोर बोर हो गए बाइक पे अकेले अकेले। ओ वाह, आज तो बना है गजरेला, गाजर का इसमें दूध तो है ही नहीं, अच्छा डालना है अभी भाई साहब, आज गजरेला बना है, मस्त मजा आएगा। नहीं डालना, मलाई डालनी है, मलाई डाल देना, बस डाल देना जो भी भाई, मजा आ जाएगा आज गजरेला देख के, मन ऐसे गाजर का बनता है ये, इसमें दूध वगैरह डाल के ना, एक तो गाजर का हलवा है उसमें दूध नहीं डलता ना, वो सिंपल होता है ना, इसमें ये फिलहाल खाना खाएंगे अभी ये। तो गाइस मस्त अपना गाजर का हलवा भी रेडी हो गया, इसके बीच में मलाई डाली है मम्मी ने सारी सारी, दूध भी नहीं डाला, मलाई डाली है, ये मलाई हाथ में पकड़ी, अब रह गया इसमें दूध, मलाई निकाल ली इसमें पूरी, मस्त बन जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा खाने का। तो गाइस रात के 10:15 हो रहे हैं अभी, और एडिटिंग करूँगा अभी मैं, और ये अपनी भाई साहब लाइट, तो मैंने लिया गोडोक्स की 8200 प्रो लाइट, और इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं, वहाँ पर थोड़ी सी खोल के देखी थी, अनबॉक्सिंग करूँगा फिलहाल कल या परसों। मैंने तो लाइफ में नहीं सोचा था कभी कि मैं ये वाली लाइट परचेज़ करूँगा, क्योंकि लाइट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, खासकर मेरे लिए कह रहा हूँ मैं, पर क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव भी है और एक प्रोफेशनल लाइट भी आ जाती है, तो मैंने नहीं सोचा था भाई लाइफ में कभी मैं ये लूँगा। और मेरा कुछ दिन पहले प्लान बन रहा था दूसरी लाइट लेने का, जो कि इससे सस्ती है, मतलब 10-12 हज़ार सस्ती है वो लाइट इससे, तो आप सर्च कर लेना इसका प्राइस अगर कोई है इंटरेस्टेड जानने में तो गूगल पे, तो वो इससे लाइट 10-12 हज़ार सस्ती है, 10-12-13 हज़ार के करीब वो सस्ती थी, तो मेरा प्लान वो था लेने के लिए, तो मैं सोचा वो ले लूँगा फाइनल था। लेकिन फिर एक दो दिन से किसी ने मेरे को सजेस्ट भी करा कि लेनी है तो एक अच्छी ले ले जो तेरे को फर्दर काम भी आए फ्यूचर में, तो मैंने तो कभी सोचा नहीं था भाई सब ये लाइट लूँगा, तो फिलहाल ले लिया। और मैं सच्ची बात करूँ, मेरे को इस लाइट का ए तक नहीं पता, मेरे को नहीं पता कैसे यूज़ होती है, और परसों बुकिंग है, परसों शूट है, मेरे को कुछ नहीं पता कैसे यूज़ होती है। तो कल मैं जाऊँगा काम पर स्टूडियो पर, और उसके बाद परसों फिर संडे है, शूट शाम को है, तो पूरा दिन संडे पूरा लगा के या कल शाम वगैरह लगा के मैं सीखूंगा पूरे अच्छे तरीके से इसको चलाना, यूज़ करना। और इसके साथ ट्रिगर भी आता है कि वो अभी तक नहीं आया, वो कल आएगा, तो फिर सारा सेटअप करके पूरा सामान लेके फिर सीखूंगा। तो बाकी ये था इस ब्लॉग में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।